कोफिशिएंट रेंज फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास इंटरवल है मेरा 10 से 19। अच्छा, रेंज निकालने बोला है, तो रेंज के लिए तो हम रेंज का फॉर्मूला है एल माइनस एस, पर इसमें हम लोग एल लेंगे 59.5 माइनस 9.5, तो हम लोग का आएगा 50। अब बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इसका फॉर्मूला है एल माइनस एस फिर एल प्लस एस इंटू 100, तो फिफ्टी नहीं, नाइन पॉइंट फाइव 59.5 माइनस 9.5 डिवाइडेड बाय 50। इसमें हम लोग को सम में क्लियरली बोल रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो, तो पहले कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए हम लोग को जरूरी नहीं है रेंज निकालना, हम निकाल लिए हैं, डायरेक्टली निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखना है और फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद एल माइनस एस का मतलब है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो जब भी ये है हम लोग का कंटिन्यूअस सीरीज जिसमें एक्स भी दिया हुआ है और एफ भी दिया हुआ है, पर रेंज निकालने के लिए एफ का कोई काम नहीं होता, हम क्लियरली नोट में लिखवाए थे। तो सिर्फ अगर क्लास इंटरवल को देखे, और दूसरा चीज क्या देखना है कि ये इंक्लूसिव सीरीज है। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है, 10 से 19 है पर दूसरे में 20 से 29 है, जो हम सेंट्रल टेंडेंसी में समझा चुके हैं कि 10 से 19 है फिर 20 से 29 है, रिपीट नहीं हो रहा है, पर ये इंक्लूसिव सीरीज है, हम लोग को इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बनाना पड़ता है। तो इसलिए इसका सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 59, पर ये इंक्लूसिव सीरीज है इसलिए 59.5 लेंगे, और सबसे छोटा क्या है 10, पर 10 नहीं लेंगे, उसे 0.5 माइनस करेंगे, मतलब 9.5, तो इसलिए ये, और नीचे भी यही इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 72.46 आएगा। उसके बाद दिया है 4 नंबर, 4 का आंसर कितना आया, समझाते हैं। 4 नंबर में देखो क्या है, 4 में दिया है द रेंज ऑफ एक्स इज 2, व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ -3x+50। जब भी इस तरह रहेगा पहले इक्वेशन लिख लेंगे, -3x+50 ये हम लोग लिख लिए, ठीक है। बोल रहे व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ, ये सिर्फ ऐसे दिया है तो यहाँ पे डेफिनेटली y होगा, y=-3x+50 ये पता होना चाहिए, x और यहाँ y होगा। अब इक्वेशन हम लोग का क्या है, a+bx, तो y=, a क्या है, जो सिंगल नंबर है वो a है, मतलब 50 पहले रहेगा फिर माइनस ये बी एक्स दिख रहा है, तो ये 3x रहेगा, इस फॉर्म में पहले सजा लिए, तो ये हम लोग का क्या है a, ये हम लोग का क्या है b, और ये है x, तो ये इस फॉर्म में हम लोग को दिख रहा है a+bx। इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, रेंज ऑफ y=बी मॉड के अंदर इंटू रेंज ऑफ वाई सॉरी एक्स, तो हम लोग के पास बी कितना है, बी तो हम लोग का 3 है, रेंज ऑफ एक्स सम में दिया हुआ है 2, तो आंसर आ जाएगा 6, दैट इज बी। 5 में बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स 5, 8, 6, 3, 4, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा 5, 8, 6, 3, 4, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एम डी अबाउट मीन इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन, ये हम लोग का फॉर्मूला है,
x माइनस, तो हम लोग को x माइनस x बार फिर चाहिए, तो एक कॉलम बना लेंगे x माइनस x बार का, पर x बार भी फिर हम लोग को चाहिए, तो x बार इक्वल टू समेशन x बाई n, तो समेशन x चाहिए, इसको हम लोग को टोटल करना होगा 26. ओके तो यहाँ पे 26 बाई हम लोग का 5 है, तो ये आ जाएगा 5.2. तो ये 5 को 5.2 से माइनस करेंगे क्योंकि x माइनस x बार है, तो 5 माइनस 5.2 होगा ऐसे माइनस 0.2, पर इसमें माइनस लिखना अलाउड नहीं है क्योंकि मॉड में है, तो हम लोग सिर्फ लिख देंगे 0.2. उसके बाद दिया है 8 माइनस 5.2 मतलब 2.8, फिर 6 माइनस 5.2 तो आएगा 0.8, फिर 3 माइनस 5.2 तो आ जाएगा 2.2, फिर 4 माइनस 5.2 आ जाएगा 1.2. इसके बाद इसका समेशन चाहिए क्योंकि समेशन का साइन है, तो 0.2 प्लस 2.8 प्लस 0.8 प्लस 2.2 प्लस 1.2 तो ये आ जाएगा 7.2. तो 7.2 बाय 5 हम लोगों का होता है 1.44, मतलब C, और यही आंसर है. तो ये भी इस तरह हो गया. 6 में हम लोग को बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. तो ये सेम क्वेश्चन है, ये घर पे करो हो जाएगा. उसके बाद दिया है 7 नंबर. 7 का क्या आंसर है? 7 नंबर भी हम लोग को बोल रहा है अगर फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाले तो क्या आएगा. तो नेचुरल नंबर हम लोग किसको कहते हैं? 1 से लेकर सारा ही नंबर नेचुरल नंबर है. तो 9 नेचुरल नंबर कितना होगा? 1 to 9 पूरा नेचुरल नंबर है. इसका बोल रहे हैं हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने. तो 1 से लेके 9 तक का मीन डेविएशन अबाउट मीन पहले निकालो. फिर हम लोग x माइनस x बार निकालेंगे. इसके लिए हम लोग को पहले x बार चाहिए, समेशन x बाई n, तो इसको हम लोग को टोटल करना है. तो इस तरह हम लोग का आ जाएगा 45, तो 45 बाई 9 आ जाएगा 5. तो 1 माइनस 5 4, 3 2 1 0 1 2 3 4. इसका समेशन करेंगे. ये 20 आ जाएगा. अब मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू समेशन x माइनस x बार बाय n. तो 20 बाय 9 2.22. पर इसमें हम लोग को मीन डेविएशन अबाउट मीन नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने बोला है. तो इसका देखो क्या आएगा, इसका सी होगा. कैसे पता चल रहा है इसका सी होगा? 400 डिवाइडेड बाय 9 करो तो हम लोग देखेंगे. 400 डिवाइडेड बाय 9 अगर करेंगे तो भी 44.44 आएगा. तो ये इस लैंग्वेज में हम लोग को आंसर दिया है. 9 का दिया है इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड बाय 2xy सेम. हम लोग का फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन क्या दिया है? 2x plus 3y minus 7 equal to 0.
and the mean and mean deviation about mean of x is इतना. तो mean of x कितना दिया हुआ है? Mean of x का मतलब क्या हुआ? x bar हम लोगों को कितना दिया हुआ है? 1. और mean deviation about mean दिया हुआ है? जीरो पॉइंट थ्री. पहले जो जो दिया है उसको कलेक्ट कर लो, आराम होगा सोचने में. उसके बाद दिया है देन द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ एक्स अबाउट मीन इज, तो जब भी सॉरी वाई, तो हम लोगों जब भी एक का दे देता है, मीन डेविएशन अबाउट एक्स दे दिया है और मीन डेविएशन ऑफ वाई नहीं दिया है, तो सेम हम लोग को इक्वेशन वाला चीज करना है. तो फॉर्मूला क्या है? सिंपली ये, जब भी हम लोग ऐसा इक्वेशन वाला देखेंगे, सिंपली हम लोग y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिख लेंगे. अब इसको इस फॉर्म में लेकर जाओ तो कितना आएगा? 3y इक्वल टू, ये a है, अकेला नंबर a होता है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 2x. अब y इक्वल टू 7/3 माइनस 2/3x, फिर इधर आ गया और ये हम लोग का a हो गया है, ये पोर्शन हम लोग का बी हो गया है. इतना क्लियर है? अब हम लोग को निकालने क्या दे रहा है? बोल रहा है मीन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ वाई अबाउट मीन निकालो, मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन वाई का निकालना है. तो इस तरह जब भी देगा, एक चीज क्लियर रखना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ एक्स हम लोग को दे दिया है, इसका सेम फॉर्मूला है, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ वाई. जैसे रेंज से पूछता है सेम रेंज वाला ही फॉर्मूला हर जगह सेट बैठ जाएगा. रेंज ऑफ एक्स देता था तो हम लोग लिखते थे बी इक्वल टू रेंज ऑफ वाई. इसमें इतना बड़ा नाम है इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर सेम चीज है, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ एक्स, फिर बी है, फिर मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ वाई है. तो हम लोग के पास एक्स तो गिवन था 0.3, सॉरी इधर पे वाई होगा, हम लोगों को निकालना है वाई, जो निकालना है उसको यहाँ रखना, जो गिवन है उसको यहाँ रखना. तो बी हम लोग का आ गया 2/3 इंटू मीन डेविएशन अबाउट मीन एक्स कितना है 0.3. तो इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 0.2. अब हम लोग का आ गया मीन डेविएशन, अरे हम कुछ हाँ हम लोग का आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ वाई, पर इसमें कोएफिशिएंट मांगा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ वाई. सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या है? जो अभी हम यहां लिखे सेम फॉर्मूला है, मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, इसका है 0.2. अच्छा अब हम लोग के पास मीन, अगर ये वाई का निकाल रहे हैं तो ये अबाउट मीन भी वाई का रहना चाहिए और मीन भी वाई का रहना चाहिए, पर एक सेकेंड पे जो डिटेल दिया हुआ है 4/11 6/11, इसको सिंपली डिवाइड करके डेसिमल में ले जाओ, मतलब 4/11 आएगा हम लोग का 0.36. तो मतलब हम लोग के पास डेटा कैसे अवेलेबल है 10 नंबर में, x हम लोग को कैसे दिया है 4/11, पर इसको डिवाइड करके लिखो 0.36. उसके बाद दिया है 6/11, तो 6/11 आएगा 0.55. उसके बाद है 8/11, तो 8/11 आएगा 0.73. फिर है 9/11, तो है 0.82. उसके बाद है 12/11, तो 12/11 इज 1.09. फिर है 8/11, तो सेम
0.73। इस तरह हम लोग डेटा को कलेक्ट कर लेंगे डेसिमल में, जिससे दिक्कत नहीं होगा। अब सिंपल इसमें मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालना है। मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार इसमें रिपीट हुआ हो। तो इसमें सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हुआ है? 0.73 एक बार है और दो बार है, तो इसलिए मोड क्या है मेरा? ये। अब सेम एक्स माइनस मोड करेंगे, तो x माइनस मोड मतलब ये जितना भी x है उससे मोड को माइनस करो। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन बोलता है तो हम लोग x माइनस मीन करते हैं। अगर मीन डेविएशन अबाउट मोड बोला है तो x माइनस मोड करेंगे। सिंपल, इसमें सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, तरीका एकदम सेम है। तो अब 0.36 से ये माइनस करो, तो यहाँ पे 1/6 है, मतलब ए। तो 10 का आंसर ए है, इसमें डेसिमल में नहीं ले जाना है। ऑप्शन 1/6 दिया हुआ है। तो हम लोगों को एस डी के लिए सारा एक्स दे दिया है, एस डी का फॉर्मूला जो है वो हम लोग को यूज करना होगा। इसमें हम लोग को 11 नंबर में एक्स दिया हुआ है, तो नीचे नीचे एक्स बैठाओ। 55999 10 5 10 10। अब फॉर्मूला को देखना है, फॉर्मूला में क्या मांग रहा है? फॉर्मूला में मांग रहा है x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बार। तो x माइनस एक्स बार का हम लोग को एक कॉलम बना लेना होगा, यहाँ समेशन भी होगा। तो x माइनस एक्स बार का हम लोग को एक कॉलम बना लेना होगा। तो सिंपली x बार हम लोग को पहले निकालना होगा। मतलब 8। तो हम लोग एक्स बार आ गया 8। अब सबको 8 से माइनस करो, पर ये यहाँ पे मॉड के अंदर नहीं है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो 5 - 8 - 3 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 2 - 2। अब हम लोग को इसमें बोल रहे हैं हम लोग को x माइनस एक्स बार का समेशन नहीं चाहिए, हम लोग को x माइनस एक्स बार स्क्वायर का समेशन चाहिए। तो x माइनस एक्स बार स्क्वायर का एक कॉलम बनाना होगा। इसमें सबको स्क्वायर कर देंगे तो 3 3 9 9 1 1 1 4 9 4 4। इसमें हम लोग को इसका समेशन चाहिए तो अभी इसको टोटल करेंगे। यहाँ पे 42 आया। अब इसके बाद ऊपर जाकर यहाँ 42 और n कितना है हम लोग का? 9। ये अंडर रूट, तो इसको ऑप्शन में देखो 42 का तो रूट कर नहीं सकते, इसलिए 42 को रूट में ही छोड़ दिया है। 9 का रूट होता है 3, तो इसलिए यहाँ पे 3, इसलिए इस तरह इसका आंसर दिया है बी। 13 में हम लोग को बोल रहे हैं व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है एसडी। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले निकालना पड़ेगा एसडी, वो अभी सिखाए हैं, निकालो, खुद निकालो।
ये हम लोग का ऐसे एच डी आ गया, अब बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एस डी बाई मीन मैम सीओ का क्या? नहीं इसमें तो 13 का ए आया है। ओके तो हम लोग का आ गया 8.09, दैट इज ए। तो ये 13 का आंसर हुआ। ये सेम जैसे हम लोग रेंज कर रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इसमें भी एक इक्वेशन दे दिया है 5 - 2x, तो डेफिनेटली y इक्वल टू 5 - 2x होगा। ये क्लियर है, हम लोग साइड में हमेशा इक्वेशन लिख लेंगे इस तरीके से, जब भी एग्जाम में देखेंगे यही इक्वेशन हम लोग के दिमाग में आना चाहिए। अब ये अच्छे से सजा हुआ भी है इसी फॉर्म में, तो यही ए है और यही बी है, इसमें हम लोग को कुछ अरेंज नहीं करना पड़ा, सीधे ही दिया हुआ है। अब सिंपल, अगर एस डी ऑफ एक्स दिया हुआ है तो हम लोग एस डी ऑफ वाई निकालेंगे, ठीक है। तो एस डी ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या होगा, वही बी मॉड इनटू जो गिवेन है एस डी ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एक्स यहाँ लिखेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन एक्स लिखेंगे, जो भी देगा एक्स देगा तो वाई निकाल लेंगे। तो बी कितना है, बी है 2 इंटू एच डी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 3, तो आंसर हो जाएगा 6। 6 होते ही आंसर है बी। उसके बाद हम लोग का है 14 में हम लोग को बोला है कि वेरिएंस ऑफ ये निकालो, मतलब एस डी नहीं, हम लोग को एस डी ऑफ वाई नहीं, वेरिएंस ऑफ वाई निकालने बोला है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला है, वेरिएंस ऑफ वाई बोला है, इसका फॉर्मूला है एस डी स्क्वायर। तो एस डी आया 6, तो एस डी स्क्वायर कितना होगा, 6 को स्क्वायर मतलब 36। 36 का आंसर क्या हिसाब से, इसका आंसर है ए, 14 का ए। यहाँ पे हम लोग बहुत क्लियर है, क्यूडी का सबसे पहले जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखना होगा। जब तक फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं सम करना पॉसिबल नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला ड्यूटी है सम पढ़ो। देखो हम कैसे करते हैं, हम भी उस तरह नहीं करते हैं कि मेरे को आता है और करने बैठ गए। हम सबसे पहले जो चीज मांगता है उसका फॉर्मूला तुम लोग के सामने लिखते हैं, तो दिमाग में आता है अब करना क्या है। अब हम लोग को सबसे पहले Q3 निकालना है, तो Q3 का मतलब होता है थर्ड क्वार्टाइल। अब Q3 का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला जब तक नहीं लिखेंगे वी कांट थिंक। तो 3 लिखे, n मतलब कितना नंबर सम में दिया हुआ है, सम में टोटल 3 नंबर दिया हुआ है 45, 52, 65। तो हम 3 लिखेंगे प्लस 1/4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 + 1 = 4, 4 × 3 = 12, 12/4 = 3 होता है, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग Q1 निकाल लेंगे, Q1 का फॉर्मूला होता है n + 1/4, इसमें भी 3 + 1/4 = 1, ये आ गया। अब ऊपर जाके पुट कर 3 - 1/2 = 1, 16 का आंसर है। हाँ, ये आता है हम लोग का थर्ड टर्म, ये आता है हम लोग का फर्स्ट टर्म, इसी को नहीं बैठाया जाता है। तो ये हम लोग का सॉल्व करके आ गया थर्ड टर्म और ये। अच्छा, जो भी क्यूडी दिया है उसको ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, इसमें ऑलरेडी वो असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है, दैट इज 45, फिर 52, फिर 65, छोटा से बड़ा। तो इसमें थर्ड कितना है 65, फर्स्ट आइटम कौन सा है 45 / 2, तो कितना आएगा 10, 10 आते हैं, इसका आंसर है ए। 19 में हम लोग को बोल रहा है, यहाँ नहीं करते,
19 में हम लोगों को बोल रहा है इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय, तो पहले हम इक्वेशन देखते ही हम इक्वेशन लिख लेते हैं. उसके बाद बोल रहा है एस डी ऑफ एक्स इज 5, तो एस डी ऑफ एक्स है 5 और ए एम ऑफ एक्स है मतलब मीन एक्स का है 10. तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे. अच्छा तो अगेन इस वाई से हम लोग ए और बी पहले फाइंड करेंगे, पहला काम है हम लोग का. तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स लिखना है, मतलब ऐसा कर देंगे तो ये ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में ले लेगा. ये है ए, ये है हम लोग का बी, इस तरह ए बी आ गया. अब हम लोग को अगर एस डी ऑफ एक्स दिया हुआ है तो एस डी ऑफ वाई निकालना है जो हर सम में निकालना पड़ता है. तो b mod into sd of x, b mod हमारे पास है 2, sd of x है हमारे पास 5, तो 10 आ गया, sd of y भी आ गया. अब बोल रहा है इसका वेरिएशन निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब sd of x, सॉरी sd of y डिवाइडेड बाई वाई बार इंटू 100. वाई बार मतलब मीन ऑफ वाई, जो एस डी बाई मीन लिखते थे वही है ये. तो ये आया 10 और वाई बार क्या आएगा. बोल रहा है जी एम ऑफ अ सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज द डैश रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट. सिंपल बात है, इसमें हम लोग को बोल रहा है अगर हम लोग जीएम एन नंबर का निकालेंगे, अगर हम लोग जीएम एन नंबर का निकालेंगे तो जब रूट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, अगर रहता है 2 इंटू 3 इंटू 4 तो क्या करते हैं, 3 नंबर रहता है तो पावर में 3 देते हैं. तो अगर एन नंबर है तो रूट में क्या देंगे, एन देंगे. अगर अनलिमिटेड नंबर है तो हम लोग रूट में एन बैठाएंगे, जितना नंबर होता है रूट में हम लोग उसका नंबर बैठाते हैं. तो पूछ रहा है द जीएम ऑफ अ सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, अगर एन ऑब्जर्वेशन है मतलब एन तक पूरा नंबर है तो इज द डैश रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट. तो जो प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग, जो प्रोडक्ट निकालते हैं उसका रूट कितना होगा, एन. तो इसका आंसर है 8 का सी. उसके बाद बोल रहा है 9. 9 में बोल रहा है द एलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ 816 फ्रॉम देयर एएम इज 5. इज इसका क्या होगा. जीएम में बोल रहा है 842, तीनों नंबर का जीएम निकालो. तो जीएम का फॉर्मूला क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपली जितना नंबर देगा उसको इंटू कर देना, मतलब 8 इंटू 4 इंटू 2 अंडर रूट, और ये कितना नंबर है 1 2 3, तो रूट में 3 देंगे. ये बन गया जीएम, इसको सॉल्व करो. 8 4 32, 32 2 64 का क्यूबिक रूट, ये 3 मतलब 64 का क्यूब में रूट निकालो. इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैथमेटिकली, 64 का एलसीएम निकालो. इसको क्या किए, 3 को 1 लो, फिर 3 को 1 लो, तो इसका आंसर आएगा 4. स्क्वायर का मतलब होता है दो नंबर को एक मानते हैं, क्यूबिक रूट का मतलब होता है 3 को एक मानते हैं. अगर 2 दी पावर 4 होगा तो 4 नंबर को एक मानेंगे, ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है. तो यहाँ क्यूबिक बोला है तो 3 नंबर को एक माने, 3 नंबर को एक माने और फिर इंटू कर दिए तो आ गया 4. तो 10 का आंसर है ए. 11 में क्लियरली बोल रहा है डैश इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए एम. ये कैसे, देखो हम एक चीज एक्सप्लेन करते हैं. 11 नंबर सोचो, हम लोग को एक्स दिया हुआ है 1 4 8, ये हम लोग को एक्स दिया हुआ है. तो ए एम क्या होता है, अगर तुम लोग को इसका ए एम निकालने बोले तो तुम लोग क्या करोगे,
वन प्लस फोर प्लस एट बाई थ्री, ये करते हो तुम लोग सिंपली। अगर हम इसका एच एम निकालने बोले तो ये थ्री ऊपर चला जाता है, ठीक है, और ये जो वन है वो हो जाता है वन बाई वन, प्लस ये फोर हो जाता है वन बाई फोर, प्लस एट हो जाता है वन बाई एट। तो ये रियल में क्या हुआ, एच एम क्या है, ए एम का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है थ्री बाई एट का रेसिप्रोकल क्या होगा, एट बाई थ्री। तो हमेशा याद रहे रेसिप्रोकल का मतलब होता है वो चीज वन से डिवाइड हो जाना। थ्री बाई एट का क्या होगा, एट तो ऊपर चला गया तो ये भी वन से डिवाइड ही हो रहा है, मतलब एट बाई वन। पर एट बाई वन हम लोग नहीं लिखते हैं, सिर्फ उसको एट लिख दिए, और थ्री भी वन से डिवाइड होता है ऐसे वन बाई थ्री, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। याद रहे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है वन बाई थ्री लेकर। तो एच एम क्या है, ए एम का रेसिप्रोकल है, ठीक उसका उल्टा इमेज देता है।